वो तेज मात पास हूँ, ट्रैक ट्रैवल दार हूँ, कुछ दाख नहीं हूँ मैं। मेरा नाम क्या भरोसा है? मैं तो बड़ो बड़ो को सीधा कर देता हूँ। हम यहाँ बैठे किस लिए हैं? आप काम की फिक्र ना करें, बिल की फिक्र करें। मेरा मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दें और बाकी काम हम पे छोड़ दें। बहुत बड़ा इदारा है जी हमारा, बड़ा एफिशिएंट स्टाफ है, गाड़ियां हैं, हर चीज का इंतजाम है जी। हाँ ठीक है जी, हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा लेता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। किसका फोन था जेफी? कुछ ना पूछो मोना डार्लिंग, कुछ ना पूछो। चलो मैं नहीं पूछती, तुम खुद ही बता दो। बस यूं समझो कि हमारे दिन फिर गए। रहने दो जेफी, हमारे दिन फिर के कहाँ पे जाएंगे? घूम फिर के यहीं पे वापस आ जाएंगे। और नहीं मोना, ये जो गंदे मंदे दिन ऑफिस में गुजरे थे ना, इसमें अब किसी अच्छे से पुरफिजा इलाके में गुजरेंगे। जेफी कहीं तुम तीसरी शादी तो नहीं कर रहे? तीसरी शादी तुमको किसने कहा? तुम्हारी खुशी बता रही है। मोना जी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी खुशी में ना शरीक कर लूँ। मुझे भी शरीक कर लो खुशी में। यू मीन शरीक के हयात? वो भी बना लूंगा, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो जाए ना। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट जेफी? वो एक सर्वे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है जिसमें हमने एक प्राइवेट टीवी चैनल के प्रोग्रामों का ना सर्वे करना है। ओह माय गॉड जेफी, तो बहुत गुड न्यूज है। अब हमें चाहिए कि हम फौरन अपने इस दफ्तर के लिए एक बड़ा सा टीवी जो है वो खरीद लें और फिर इसी में बैठ के हम आराम से टीवी के प्रोग्राम्स देखेंगे कॉफी पीते हुए। यहाँ दफ्तर में टीवी की क्या जरूरत है? ये सर्वे तो हमने घूम फिर कर करना है ना प्रोग्रामों का, यहाँ बैठ कर नहीं। नहीं जेफी, तुम समझते क्यों नहीं हो? अब हम खुद तो सर्वे नहीं करेंगे ना, मैं और तुम, हमारा लोअर स्टाफ जाके बाहर सर्वे करेगा, हम ऑफिस पे बैठ के आराम से टीवी के प्रोग्राम्स देखेंगे। इस तरह तो हम टीवी देखेंगे ना, आप उसमें बातें तो नहीं ना कर सकेंगे। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? मेरे जिगर गोश है करंदाज है, क्या हाल है तुम्हारा? सर जी हाल तो पतला ही है आपके सामने। हाल तो खैर बुरा ही लगता है मुझे। खुशबू कौन सी लगाते हो? मैंने आज खुशबू नहीं लगाई सर, मैं नहा कर आया हूँ। मैंने सोचा है कि तुम्हारी औकात तब्दील की जाए। तुम्हें पता है तुम्हारी औकात क्या है? सुबह 8 से 4, फ्राइडे हाफ डे और संडे फुल छुट्टी। और मैं दफ्तरी औकात की बात नहीं कर रहा, मैं माली औकात की बात कर रहा हूँ। सर जी मैंने माली कभी नहीं रखा, मैं बूटे शूटे खुद ही देख लेता हूँ। एक्चुअली करमदाद साहब, जेफी जो है ना वो आपको एक बहुत जरूरी काम सौंपने वाले हैं। ओ जी मुझको पहले कहाँ फुर्सत है, मुझको तो सिर खजलाने की भी वक्त नहीं मिलता। और मुझे पता है कितना काम है तुम्हारे पास। सर जी ये कोई थोड़ा काम है कि हर वक्त टेलीफोन के सराहने बैठे रहना, किसी वक्त भी कोई इमरजेंसी फोन आ सकता है। तुम नलायक ही रहोगे सारी जिंदगी, इधर करो काम। वे बदबخت इंसान, वह तेरी आज जुर्रत फेर कैसे हो गई मेरी सीट पर सोने की? सर जी आप हर वक्त सोए जो रहते हैं, मैंने सोचा चेक करूं आखिर बात क्या है। फिर क्या नतीजा निकला? आप दफ्तर में बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। वह तुझको किसने कहा है कि मैं ठीक जा रहा हूं या कहीं जा रहा हूं? सर जी आप दफ्तर में हर वक्त सोए जो रहते हैं, सर क्या आपकी सीट है इस पे बैठती नींद आ जाती है, सर क्या आला आला ख्वाब देखने को मिलते हैं। वह बेवकूफा, तू जो अफसर बनने का ख्वाब देख रहा है ना, ये मेरे जीते जी कभी पूरा नहीं होगा। मुझे पता है सर, वो तो आपके मरने के बाद ही पूरा होगा क्योंकि आपने रिटायर तो होना नहीं। वह बेवकूफा, वो रिटायर होकर ही तो मैं इधर अफसर लगा हूं। वो जाफर हुसैन ने मेरी एफिशिएंसी देखकर ही तो मुझको अफसर लगाया है। बस आप दुआ कर। आपके फौत होने की? वो जाफर हुसैन के रिटायर होने की, ताकि उसकी सीट के ऊपर मैं जाके बैठूं और तुम इधर आ सको। ये तो बड़ा थ्रू प्रॉपर चैनल रास्ता है, ये तो बड़ी देर हो जाएगी सर। वह दफ्तरों में यही चैनल चलता है, थ्रू प्रॉपर चैनल।
सर इस थ्रू प्रॉपर चैनल से बेहतर नहीं मैं किसी प्राइवेट चैनल पे काम कर लूं? वो प्राइवेट चैनल से मुझको याद आया, जी जी मैंने तुम्हारे लिए एक प्राइवेट चैनल पे काम ढूंढ लिया है। सर जी, सर जी आपको कैसे पता चल गया कि मेरे अंदर एक शाहरुख खान है? सर मेरे अंदर का शाहरुख खान बाहर निकालिए, नहीं तो वो घुट घुट के मर जाएगा। सर वो आड़ू के मुंह वाले, वो अगर शाहरुख खान को ये पता चल गया कि तू भी अपने आप को शाहरुख खान समझता है तो वो फा लेकर मर जाएगा। वो बचड़िया तैयारी का है। सर जी तैयारी तो मैंने बचपन से की हुई है, आप बस मुझे ये बताइए मैंने हीरो कब बनना है। वो तुझको किसने कह दिया कि तू हीरो है? मेरी माँ ने, वो हमेशा मुझे हीरो कहा करती थी। वो ये माएं तो ठंडी छाएं होती हैं, मेरी बेजी भी मुझे यही कहती थी कि तू करमदाद सुल्तान राय लगता है। आप बेजी को छोड़िए, आप ये देखिए कि मैं शाहरुख लग रहा हूं। माफ करना, तुम तो किसी रुख से न शाह लगते हो न खान लगते हो। सर माफी के साथ, आप भी ना सुल्तान लगते हैं ना इंसान। वो झूठे इंसान। अच्छा बकवास बंद कर और मेरे साथ सर्वे करने की तैयारी शुरू कर। सर्वे किस चीज का? सर टीवी प्रोग्रामों का। हमें टीवी प्रोग्राम का सर्वे करने के वास्ते वो दर बदर जाना पड़ेगा। सर टीवी प्रोग्राम का सर्वे करने के लिए दर बदर जाने का क्या फायदा, ये काम तो घर बैठे भी हो सकता है। वो ये बात तो तूने बिल्कुल सही किया है, मगर कागज पेंसिल लिया के लिस्ट बनानी शुरू कर दे। सर जी लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, एक अदद रंगीन टेलीविजन और दो आंखें काफी है। वो तू तो बिल्कुल नालायक आदमी है। वो हमें TADA और कन्वेंस अलाउंस भी तो मिलेगा ना। सर सिस्टम सुनहरी मौका है, एक अदद रंगीन टेलीविजन और मोटरसाइकिल लेने का सरकारी खर्चे पर। आया वो कैसे? एक 70 इंच का प्लाज्मा टीवी, एक कारपेट, एक सोफा सेट, एक कॉफी सेट और दो मोबाइल फोन, ये सब क्या है मोना? जेफी सामान की लिस्ट है। ये तो जहेज का सामान है, क्या हमारी शादी हो रही है? God forbid, जेफी, क्यों हमारी शादी क्यों हो रही है? नहीं, ये सारा सामान जो है इस कमरे के लिए बहुत जरूरी है ना। ये सोफा सेट और कारपेट तो ठीक है ना, ये 70 इंच का प्लाज्मा टेलीविजन ये क्या करेगा? If you don't understand anything, देखो ना हमें एक बहुत बड़ा टीवी चाहिए ताकि तुम्हारा स्टेटस जो है वो बड़ा लगे। जितना बड़ा टीवी होगा उतना बड़ा स्टेटस होगा, लोग समझेंगे तुम्हारा बिजनेस बड़ा है, कमरा बड़ा है, ऑफिस बड़ा है, you know? और ये दो मोबाइल फोन, ये तुम्हारे और मेरे लिए ताकि सर्वे के दौरान हम कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट में रहे। वो तो हमारे पास पहले से मौजूद है। जेफी यू सो नाइव, उनके नंबर्स तो सबके पास है ना, इन दोनों मोबाइल के सिर्फ तुम्हारे और मेरे पास होंगे। मोना क्या बात है तुम्हारी, है बड़ी समझदार है तुम। हाँ किस लिए अंदर आए हो? इस पर जरा मंजूरी दे दें जी, आपकी मेहरबानी हो। ये इस्तीफा है तुम्हारा? इसको पढ़कर अगर आप खुद ब खुद इस्तीफा दे दें, आई कांट से एनीथिंग। अच्छा इसको पढ़कर तो मैं इस्तीफा लिख दूं? मेरा मतलब है मंजूरी दे दें। मोटरसाइकिल, एक रंगीन टेलीविजन, एक महीने का TADA, ये सब क्या है? क्या लॉटरी का टिकट है? सर्वे का सामान है, इसके बगैर सर्वे नहीं हो सकता। टेलीविजन तुम्हारे घर में मौजूद है? है जी, मगर 4 इंच का टेलीविजन है। और मोटरसाइकिल तो तुम्हें चलाना नहीं आती? सर जी वो सीख कर मैं आपसे बिल पास करवा लूंगा। रही देखो कामदार है, सर्वे तुम्हें ही करना होगा, आप इस टाइम में और साइकिल पे। आज आपको मैंने कहा जो है कि आपको आपकी रकम मिल जाएगी, आपको पैसे मिल जाएंगे। मैं जीजी बोल रहा हूं, गॉड गिवन। हां हां पैसे मिल जाएंगे, बेफिक्र हो जाएं आप, परेशान ना हो आप, पैसे मिल जाएंगे। अदना दर्जे के मुलाजिम, वो मेरे टेलीफोन से किसको टेलीफोन कर रहे हो? आप ही की बात कर रहा हूं भाई, आप जितना बिल बनाएंगे ना आपको मिल जाएगा बिल।
यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तूने मेरे टेलीफोन से नंबर कैसे बुलाया। मैं तो इसको ताला लगा कर गया था। सर जी, ताला खोलना कौन सा मुश्किल काम है? वो तूने मेरे टेलीफोन का ताला कैसे खोला? से तुमने अफसर के टेलीफोन का ताला खोलकर अच्छा नहीं किया, तुम्हारी तनख्वाह कटेगी। ओ सर जी, मैंने ताला कब खोला है? मैं तो आपको बता रहा था कि ताला इस तरह खुलता है। अगर तुमने ताला नहीं खोला तो फिर नंबर कैसे मिलाया? ओ सर जी, मैंने नंबर कब मिलाया है? फोन तो मेरे दोस्त का आया था, आपको मोटरसाइकिल सिखाने की बात कर रहा था। वो झूठे मुलाजिम, वो कैसे पता चला कि मैंने मोटरसाइकिल सीखनी? सॉरी सर, मैं भूल गया था। सर एक लोकल कॉल से क्या होता है, अब तो आपको सर्वे से खूब पैसा मिलेगा। सर इसका मतलब है कि तुम इतराफ़े जुर्म करते हो। तुम इस बात का इकरार करते हो कि तुमने मेरे टेलीफोन से बाहर नंबर मिलाया। बुलुगड़िया, अब मुझको सिर्फ ये बता दे कि तुमने नंबर कैसे मिलाया। सर जी, वो आपको बताने का क्या फायदा, आपके पास तो चाबी होती है, ये काम तो हम जैसे मतैतों का है। चल अगर तुम मुझको बता दे तो मैं तुझको माफ भी कर दूंगा और तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं काटूंगा। पक्की बात है सर? तो सर मैं फोन ऐसे मिलाता हूँ। वो ये तुमने कैसा अच्छा तरीका निकाला है, क्या इस तरह करने से टेलीफोन मिल जाता है? सर आजमा के देख ले। अच्छा जी जी, तो आज कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? हाँ जी। हेलो, हाँ जी, मैं अवामी खिदमत के अदारे से एमडी करमदार बोल रहा हूँ, आप कौन है? वो है मुझको, वो गधे का बच्चा किस, वो सॉरी सर जी, वो मैं टेलीफोन टेस्ट कर रहा था जी। सर जी, कौन था गधे का बच्चा? वो बकवास ना कर, वो लानती इंसान, वो गलती से एमडी साहब का टेलीफोन मिल गया था। अच्छा जी, इसका मतलब है सर जी आपको नौकरी से छुट्टी? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने हमारी सर्वे वाली फाइल कैंसिल कर दिया है। ये तो अच्छा सर जी कि खज्जल खुआरी से बच गए हम। वो हम नहीं, सिर्फ मैं, तुझको तो असाइनमेंट उन्होंने दे दिया है। इसका मतलब सर कि रंगीन टेलीविजन और मोटरसाइकिल मुझे ओवर टाइम के साथ? उन्होंने कहा है कि मोटरसाइकिल की बजाय टांगे इस्तेमाल करो। टांगे? सर जी टांगे तो महंगे पड़ जाएंगे, घोड़ों का चारा आजकल कितना महंगा हो गया है। वो चारे वाले घोड़ों वाला टांगा नहीं, वो ये टांगे जो कुदरत ने तुझको दे रखी है, जो किसी वक्त भी मोटर कार के नीचे आके टूट सकती है, इन पर सफर करना और सर्वे करना है तूने। सर इस सर्वे का मुझे क्या फायदा होगा? दफ्तर छुट्टी, सुबह और शाम को सिर्फ हाजिरी लगाने के वास्ते आए। इसका मतलब है ओवर टाइम भी नहीं मिलेगा? लानती किरदार, सिर्फ टफ टाइम मिलेगा। मैं तुझको समझाऊंगा कि सर्वे का काम कैसे करना है। सर ये सर्वे काम मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझसे ये काम कैसे होगा? डुंगड़िया, एक तरीका करम को 3 मिनट बता देता है। ये पकड़ो नोटबुक, और ये है लिखने वाला होल्डर, जो जो मैं कहता हूँ वो तुम लिखते जाओ। लिखवाएं सर जी? लिखो जी कि मैं जी गॉड गिवन, सिर्फ अल्लाह देता, अल्लाह देता, क्योंकि अदना दर्जे का मुलाजिम हूँ, मुलाजिम हूँ, लिहाजा मैं ये सर्वे वाला काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, चूंकि आपके हुक्म के मुताबिक मैं काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, चुनाचे मेरा इस्तीफा कबूल फरमा कर मुझे शुक्रिया का मौका दें। शुक्रिया का मौका दें। बस अब नीचे कुग्गी मार के तो दस्तखत कर दे और आजाद हो जा। हैं जी? मोना डार्लिंग, शॉपिंग का बहुत मजा आया। मुझे तो यूं लग रहा था जैसे मैं 3 शादी की शॉपिंग कर रहा हूँ। वैसे जेफी, अगर हम लोग कैश पे शॉपिंग करते हैं ना तो और ज्यादा मजा आना था। इतना कैश होता तो मैं 3 शादी करना चुका होता। वो तो अच्छा किया तुमने वो
क्रेडिट कार्ड याद करवा दिया। हाँ ना जेफी, देखो क्रेडिट कार्ड पे भी शॉपिंग करने का ना अपना मजा होता है। यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी इन योर पॉकेट बट यू कैन स्टिल गो एंड बाय एक्सपेंसिव थिंग्स। काश के क्रेडिट पे शादी भी हो सकती। जेफी वो भी हो जाएगी। देखो अगर बैंक वाले लोगों को क्रेडिट पे बकरे दे सकते तो वो ये भी तो सोच सकते कि शादी के लिए क्रेडिट दे दें। ना तो इसी सोचे बाजार में कहीं उम्र ही ना गुजर जाए। तुम्हारी उम्र है कितनी? उम्र तो इतनी ज्यादा नहीं है, मुझे इतना कि अम्मी ने दाखिले के वक्त ना स्कूल में ज्यादा लिखवाई थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी रिटायर क्यों हो गए? वो मना जी मुझे नौकरी पसंद नहीं थी, रिश्वत लेना पड़ती थी इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। हाँ वो ना वो याद आया वो क्रेडिट कार्ड से कि हमने 70 इंच का टीवी भी ले लिया, कारपेट भी खरीद लिया, तो इतना क्रेडिट उतरेगा कैसे? कितने भुलक्कड़ हो तुम, अभी हमें वो सर्वे वाला कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। हाँ वो तो अभी याद आया। तुम ऐसा करो जल्दी से ना वो कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी करो बनाने की, और एक कॉफी का कप भी बना दो जल्दी से। ऑलराइट, नए वाले बर्तनों में कॉफी? फिलहाल वो पुरानी पहलियाँ ठीक रहेगी, पार्टी आएगी ना तो फिर नया सेट खोल लेना। सर्वे वही जो आपने करने के लिए भेजा था। चंद भाई मैंने तो तुझे टेलीविजन के प्रोग्रामों के बारे में राय लेने के लिए भेजा था। टीवी प्रोग्राम की राय लेने में अब आपसे गया था जी, अभी तो एक ही प्रोग्राम की राय लिए तो ये हालत हो गई है। वो तुम कौन से प्रोग्राम की राय लेने के लिए गए थे, क्या नाम था उसका? गिरेबा। मैंने एक घर के दरवाजे को दस्तक दी है, अंदर से एक आदमी बाहर आया, मैंने उसे कहा कि तुम प्रोग्राम गिरेबा देखते हो, उसने एक न सुनी दो सर सीधा मेरा गिरेबा पकड़ लिया। मुझे कहने लगा मैं टेलीविजन का तो गिरेबान पकड़ नहीं सकता और तुझे मैंने छोड़ना नहीं। उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। वो ये तो बड़ा अच्छा हो गया बिचुंगड़िया, अब दफ्तर वाले तुझको नवा सूट भी स्वा कर देंगे। अब फौरन जाओ और दूसरे प्रोग्राम की रिपोर्ट लेकर आ, इस बार जरा रिपोर्ट दूर दूर से लेनी है और हेलमेट पहन कर जाना है। मेरी जान छोड़ दे सर, ये जान झुको वाला सर्वे मुझसे नहीं होना। आओ आए, इतनी मामूली सी मारपीट की खातिर तू अपनी तनख्वाह कटवाने पर तोल गया है। सर फायदा उस तनख्वाह का जो मरने के बाद मिले। मर्द वही है जो अपनी जान पर खेल जाए और उसके खेल का मुआवजा उसकी आफ्टर डेथ बच्चों को वसूल हो। सर अभी तो मेरी शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे? तो इस तरह तो शादी होनी भी नहीं है, शादी के वास्ते पैसे नहीं जमा करेगा तो शादी कैसे होगी? जा मेरा बछड़ा और सुन, अपनी जेब में लेमिनेशन वाली शनाख्त कार्ड की फोटो कॉपी जरूर रख लेना। आपका मुलाजिम है? जी नहीं, ये मेरे बॉस है। अच्छा अच्छा, अब्बास है? अब्बास नहीं जी, बॉस है। हम प्राइवेट चैनल से आए हैं। अरे तो आप लोग पार्टी हैं? अच्छा अच्छा, ये इलेक्शन वाले तो नहीं है जो रातों को ढोल बजा बजा कर लोगों की नींद हराम लोगों को जगाते फिरते हैं? ओहो जेफी, नो आर यू क्रेजी, ये टीवी प्रोग्राम्स का सर्वे करने वाली पार्टी है। अच्छा अच्छा, आपने तो कल आना था लेकिन बाहर ही रखे जी बैठे हैं। वो जी हम आज माजरत करने के लिए आए हैं। माजरत किस बात की जी, आपका अपना दफ्तर है, जब जी में आया है। वैसे आप उस वक्त आते ना जब नया टेलीविजन। जी जी, जब हम आपके ड्रामे का सर्वे जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं। भाई जी हमने सोचा कि वक्त से पहले ही आपको बता दिया जाए। हमने तो आपके प्रोग्राम का सर्वे ना अपने एक्सपर्ट से शुरू भी करवा दिया है। ये तो आपने अच्छा नहीं किया। आप सर्वे का रिजल्ट देखेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छी चीज क्या होती है। आप लोगों को नहीं मालूम, हमारे जो सर्वे एक्सपर्ट्स हैं ना वो बहुत काबिल हैं, उनको पता होता है कि लोगों से किस किस्म के सवाल करने हैं। अभी आपकी मुलाकात ना वो सर्वे एक्सपर्ट से करवाते हैं। फिलहाल ये बताएं कि आप ठंडा पियेंगे या गर्म? हम तो आपसे इजाजत लेने आए थे। इजाजत तो आपको मिल गई ना अंदर आने की। आप
हमारी बात तो सुन ले। अब बातें तो चाय और कॉफी के दरमियान भी होती रहेंगी, इन्हें समझाएं जरा। हम मोना जी अच्छी सी कॉफी बना कर लाए वो नए सेट में। राइट बॉस, ये आपकी मोहब्बत है। किसे? ये आपको कैसे पता चला कि मैं मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ? ये आपकी मोहब्बत ही है जो आप हमारी इतनी हाथ तक तवाजो कर रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो जाए ना, फिर देखना मैं इनसे कैसी मोहब्बत करता हूँ। हम कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में ही आपसे बात करने आए थे, बात ये है कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर सकते। वो जी हमें अभी टीवी चैनल की इजाज़त नहीं मिली। क्या? वो क्या कहा कि टीवी चैनल खोलने की इजाज़त नहीं मिली? ना तो इतने सारे प्रोग्राम कहाँ से बना लिए है? वो प्रोग्राम हमारे नहीं थे, लोगों ने बना के दिए थे जी। ना ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? पहले ही तो बताने आए हैं, एक दिन पहले। अब क्या होगा, वो 70 इंच का टीवी, वो 80,000 का कारपेट, वो टी सेट, वो काफी सेट, या खुदा ये क्या हो गया? आप कॉफी के साथ क्या खाएंगे? आप ये खाएंगे? हाल मेरे तो डरना नी, सर्वे कदे नी करना नी। वो अब क्या हुआ है? वो ही हुआ सर जी जिसकी मुझे तवक्को थी। इस बार तो बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी मेरी दुर्घट बढ़ाई है सर। करे कोई और अब भरे कोई। वे तुम तो बच्चे भूंगड़ों के प्रोग्राम सर्वे करने गए थे, जन्मई हुआ क्या है? मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम बच्चों का प्रोग्राम देखते हो? उसने कहा मैं बच्चा जरूर हूँ लेकिन इतना भी बच्चा नहीं कि बच्चों के प्रोग्राम देखूं। वे फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, मैंने वीसीआर देखते हो, कहता रिवाइंड करके देखता। मैंने कहा कौन सी? कहता अगर बताया तो ये बूम मारेंगे। मुझे कहता तुम बच्चों के लिए साइंस के प्रोग्राम क्यों नहीं बनाते? तुमने क्या किया? मैं कहा सर अगर हमारे बच्चों को साइंस आती होती तो वो टेलीविजन में नहीं किसी लेबोरेटरी में होते। हेलो जी मोना जी, आपने इस नचीज को कैसे याद किया है? क्या कैंसिल हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके जी ओके। क्या कैंसिल हो गया सर जी? वह तेरा सर्वे और ओवर टाइम है जी। ये क्या कह रहे हैं आप? वह वही जो मुझको मोना जी ने कहा। तो मेरा क्या बनेगा सर? तुम जाकर मल्लम पट्टी कराओ और दूध में फटकरी फुल करके तो ड्रिंकिंग कर जाओ। हैं जी? हाँ जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में।